आप सभी को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामना है। जो मातृभूमि पर चढ़ा गए अपने जीवन का मधुर जाम, उन वीरों को शत शत प्रणाम, उन वीरों को शत शत प्रणाम। आज हम इस दिवस को अमृत दिवस के रूप में मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की यज्ञ में आहुतियां देकर जिन वीरों ने अपनी बलिदानी दी और जिनके फलस्वरूप हमें यह आज़ादी मिली, यह उन 74 वर्षों की हमारी तपस्या का परिणाम है कि आज हमारा भारत देश विश्व के स्वर्णिम अक्षरों में अपनी पहचान रखता है। आज हम नमन करते हैं उन शहीदों को, चाहे वो 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, या फिर उसके बाद भगत सिंह और लाला लाजपत राय की लाठियां हो, हम भूल नहीं सकते उस कुर्बानी को। लेकिन उन सभी की बदौलत हमें जो आज़ादी मिली, क्या वह सच्चे अर्थों में आज़ादी है? एक बात मैं सोचने के लिए आज विवश हो जाती हूँ और आप सभी को पूछने के लिए भी कि जिस दिन के लिए हमने यह आज़ादी प्राप्त की, क्या वह सच्चे अर्थों में हमें प्राप्त हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है, लेकिन हमारी मानसिकता से हम लोगों ने वह आज़ादी प्राप्त नहीं की है। क्योंकि हमें सच्चे अर्थों में आज़ादी तभी मिलेगी जब हम अपनी कुरीतियों पर काबू पाएंगे, हम अपने विचारों पर काबू पाएंगे, हम अपने मन को शांत रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी देशभक्ति को हमेशा कायम रखने के लिए, देश के लिए कुछ कर मिटने को संकल्पबद्ध होंगे। हम सभी आज के दिन यह प्रतिज्ञा करें कि हम भारत देश के लिए हैं, हम भारतवासी हैं, और इस भारत माता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह हमारे देश ने हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अग्रणी बनाई है, उसी तरह धीरे धीरे हमारा देश हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा भारत चहुंमुखी विकास करे, हम यही कामना करते हैं। पुनः नमन, तो मैं यही कहूँगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।